गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जितना पढ़े थे उससे आगे शुरू कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। तो मोमेंट हम लोग पढ़ लिए थे, और लॉ ऑफ मोमेंट हम लोग का बाकी रह गया था। तो लॉ ऑफ मोमेंट से आज हम लोग शुरू करते हैं कि लॉ ऑफ मोमेंट हम लोग का क्या होगा, देखते हैं। तो लॉ ऑफ मोमेंट कहता है कि जब कोई भी वस्तु लॉ ऑफ मोमेंट कहता है कि जब कोई भी वस्तु या कोई इक्विलिब्रियम में हो, कोई रिजिड बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है, तो सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, अगर कोई रिजिड बॉडी पे फोर्स लग रहा है, उसके कारण मोमेंट जनरेट हो रहा है, तो एक सिंगल किसी सिंगल पॉइंट के थ्रू या सिंगल एक्सिस के थ्रू क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल होगा। कहने का मतलब है कि अगर इंग्लिश में इसको स्टेटमेंट अगर देखें, लिखा हुआ है आपका स्टेटमेंट, इट स्टेट दैट इन इक्विलिब्रियम व्हेन ए नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, देन द सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन इज इक्वल टू सम ऑफ द क्लॉकवाइज मोमेंट अबाउट द सेम पॉइंट। जैसे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें कि कोई एक बॉडी है, सॉरी, अगर एक कोई बॉडी है, ठीक है, कोई रॉड है, इस पे अगर कोई फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, दो फोर्स लग रहा है, तीन फोर्स लग रहा है, ये एक सपोज दैट कि ये एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है, कोई बीम है जिसपे फोर्स लग रहा है। तो लॉ ऑफ मोमेंट कह रहा है कि जितना भी फोर्स इस पे लग रहा है, सपोज दैट ये F1 है और ये F2 है और ये F3 है, तो लॉ ऑफ आपको मोमेंट बताता है कि ये टोटल फोर्सेस का जो मोमेंट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वो इक्वल होगा। तो जैसे देखिए, इसमें अगर F1 से डिस्टेंस माने कि बीम का पॉइंट ए ले लेते हैं, कि ये ए पॉइंट के थ्रू अगर मोमेंट हमको निकालना है किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों मिला करके जो मोमेंट रहेगा वो इक्वल होगा। अगर हम पॉइंट ए कंसीडर करते हैं कि इस पॉइंट से, ये वाला जो पॉइंट ए है आपका डायग्राम स्क्रीन पे दिखा है, तो ए पॉइंट से अगर हम मोमेंट निकाले तीनों फोर्स का, तो अगर इससे डिस्टेंस, अगर आपका F1 से डिस्टेंस D1 है, F3 से डिस्टेंस D3 है, और सॉरी ये D2 हो जाएगा, और F1 से डिस्टेंस D1 है, तो मोमेंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इक्वल होने का मतलब क्या? पॉइंट ए के थ्रू अगर मोमेंट लेंगे, पॉइंट ए के थ्रू अगर मोमेंट लेंगे तो कितना मोमेंट आ जाएगा? एक आ जाएगा मोमेंट M1 प्लस M2 प्लस M3, टोटल मोमेंट तीन मोमेंट आ जाएगा। तो लॉ ऑफ मोमेंट आपको बताता है कि जितना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोमेंट होगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना मोमेंट होगा वो दोनों इक्वल होगा। तो देखिए, क्लॉकवाइज मोमेंट अगर हम इस डायग्राम में देखें तो क्लॉकवाइज मोमेंट कौन कौन सा हो रहा है? F1 के थ्रू क्लॉकवाइज मोमेंट घुमाने का कोशिश कर रहा है और F2 के थ्रू क्लॉकवाइज घुमाने का कोशिश कर रहा है, जबकि F3 ये मोमेंट क्रिएट कर रहा है क्या? आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मोमेंट सबसे पहले देख लेते हैं, क्लॉकवाइज मोमेंट कौन सा? M1 और M2 आपका क्लॉकवाइज मोमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मोमेंट M1 प्लस M2 इक्वल टू M3, ठीक है, ए पॉइंट के थ्रू अगर हम मोमेंट ले रहे हैं। तो अगर नहीं समझ में आया तो देखिए, इसके थ्रू अगर हम एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि अगर एक कोई बॉडी है जिसपे नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहा है, नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहा है, एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है, अब ये फोर्सेस
किसी भी पॉइंट, एक पॉइंट ए ले लिए, यहाँ से अगर F1 फोर्स लग रहा है, F2 फोर्स लग रहा है, F3 फोर्स लग रहा है, सिमिलरली ये वाला F4 और ये वाला F5 लग रहा है, तो ये फोर्स के कारण जो मूवमेंट हो रहा है किसी एक पॉइंट के थ्रू, अगर हम पॉइंट ए के थ्रू मूवमेंट ले रहे हैं तो क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आपका इक्वल होना चाहिए। तो इस केस में M1 प्लस M2 प्लस M3 इक्वल टू हो जाएगा M4 प्लस M5 के इक्वल। और समय क्या कहता है कि टोटल मोमेंट थ्रू ए सिंगल पॉइंट किसी भी बॉडी पे, अगर टोटल मोमेंट लग रहा है और बॉडी आपका क्या है, इक्विलिब्रियम में है, अगर आपका रिजिड बॉडी हम कह रहे हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है, तो टोटल मोमेंट अबाउट एनी सिंगल पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। सम ऑफ मोमेंट देखिए यहाँ पे हम लिख के भी रखे हैं, आपका सम ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू जीरो। कैसे जीरो हो जाएगा कि हम कह रहे हैं कि टोटल मोमेंट यहाँ पे जो क्रिएट हो रहा है अबाउट ए के थ्रू, वो क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट दोनों इक्वल होता है, ठीक है, तो M1, M2, M3 और M4 इक्वल टू M4, M5। अब इसको अगर एक तरफ ले जाएं, अगर इसको हम एक तरफ ले जाएंगे तो जितना मोमेंट जो मैग्नीट्यूड M1 प्लस M2 प्लस M3 का आएगा वही सेम मैग्नीट्यूड आपका M4 प्लस M5 का आएगा, तो दोनों एक पॉजिटिव रहेगा एक नेगेटिव रहेगा, तो दोनों ऐड होकर के आपका क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो लॉ ऑफ मोमेंट आपको बताता है कि सम ऑफ मोमेंट किसी सिंगल पॉइंट के थ्रू रिजिड बॉडी पे सम ऑफ मोमेंट आपका जीरो होता है, जब कंडीशन क्या दे दिया कि जब कंडीशन है कि बॉडी इन इक्विलिब्रियम में है। तो कोप्लेनर फोर्सेस में नंबर ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस अगर लगेगा किसी बॉडी पे तो किसी पॉइंट के थ्रू क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल होगा। दूसरा चीज क्या कहता है लॉ ऑफ मोमेंट कि उसी पॉइंट के थ्रू टोटल मोमेंट जीरो होगा जब आपका बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये आपका लॉ ऑफ मोमेंट था। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे वैरिगन्स थ्योरम किसको कहते हैं। लॉ ऑफ मोमेंट पे ही आधारित है वैरिगन्स थ्योरम। तो वैरिगन्स थ्योरम आपको बताता है कि मोमेंट अबाउट एनी एक्सिस इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट्स अबाउट दैट एक्सिस, ठीक है। अगर किसी बॉडी पे कोई फोर्स लग रहा है, सपोज दैट कि ये कोई रिजिड बॉडी, कोई रॉड है, इस पे कोई फोर्स लग रहा है, इस पे कोई फोर्स एफ लग रहा है, इस डायरेक्शन में आपका एक्ट कर रहा है और बॉडी आपका यहाँ से आपका कनेक्टेड है, मान लीजिए ये पॉइंट ओ है, तो ये बॉडी पे जो मोमेंट क्रिएट होगा बॉडी पे, ये आपका एक रॉड है, ये आपका एक रॉड है, रॉड पे कोई फोर्स लग रहा है, तो वैरिगन्स थ्योरम कहता है कि अगर किसी रिजिड बॉडी पे फोर्स लग रहा है और उस फोर्स के कारण उसमें मोमेंट जनरेट हो रहा है, तो इस फोर्स के कारण जो मोमेंट जनरेट हुआ एम, वो बराबर होगा ये फोर्स का अगर कोई कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, तो इस फोर्स को मान लिया F1 और F2 कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, तो इस F2 कंपोनेंट और F1 कंपोनेंट के कारण जितना मोमेंट होगा उसके बराबर होगा। तो M1 प्लस M2, अगर F1 के कारण M2 मोमेंट जनरेट हो रहा है, और सॉरी F2 के कारण M2 मोमेंट जनरेट हो रहा है और F1 के कारण अगर M मोमेंट जनरेट हो रहा है, तो वैरिगन्स थ्योरम कहता है कि उस फोर्स का, F फोर्स का जो कंपोनेंट होगा उस कंपोनेंट के कारण जो मोमेंट जनरेट होगा वो इक्वल होगा आपका फोर्स F के कारण जितना मोमेंट जनरेट होता है जो। तो एक बार फिर से हम लोग वैरिगन्स थ्योरम अगर नहीं समझ में आया फिर भी, तो एक बार फिर से बोलते हैं
वेरिगेंस थ्योरम कहता है, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है, कोई सिंगल फोर्स लग रहा है किसी प्लेन में, ठीक है ना, तो उस फोर्स के कारण जो उसमें मोमेंट जनरेट होगा, जो मोमेंट क्रिएट होगा, वो मोमेंट इक्वल होगा वही फोर्स का जो अलग अलग कंपोनेंट के कारण जो मोमेंट जनरेट होगा उसके बराबर। इसको हम लोग स्टेटमेंट अभी देख रहे हैं, इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में प्रूफ भी है, देखते हैं हम लोग कैसे कैसे इसको प्रूफ करते हैं। तो वही सिंपल लिए हैं, आपको हम लिख करके आपको बताए हैं कि सपोज दैट एक कोई रॉड है, ये कोई रॉड है, रॉड पे कोई फोर्स एफ एक्ट कर रहा है, एफ फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? अगर ये कोई रॉड है उस पे एक परपेंडिकुलर, रॉड के परपेंडिकुलर एक फोर्स एफ एक्ट कर रहा है, ये रॉड के परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये फोर्स जो है आपका रॉड का परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, और रॉड जो हम लिए हैं वो आपका हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री इंक्लाइंड है, थीटा डिग्री आपका इंक्लाइनेशन पे है, तो रॉड से 90 डिग्री एंगल पे कोई फोर्स एफ लग रहा है, तो इसके कारण मोमेंट हमारा कितना जनरेट हो जाएगा? एफ इंटू डी जनरेट हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री एंगल से एक्ट कर रहा है, तो यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर इस पॉइंट को ए मानते हैं तो इस ए पॉइंट के थ्रू, इस ए पॉइंट के थ्रू एफ के कारण, ये फोर्स एफ के कारण मोमेंट हमारा कितना हो जाएगा? एम ए इक्वल टू एफ इंटू डी, एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम ए इक्वल टू एफ इंटू डी, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पढ़े थे, मोमेंट किसी पॉइंट के थ्रू, किसी एक्सिस के थ्रू मोमेंट क्या होता है? फोर्स जहां पे लग रहा है और जैसे वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स हमारा यहाँ पे लग रहा है और 90 डिग्री एंगल से लग रहा है, हम माने हैं ये 90 डिग्री एंगल से एक्ट कर रहा है, तो ए से बी, अगर इस पॉइंट को हम बी माने तो ए से बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है और एफ फोर्स एक्ट कर रहा है, तो मोमेंट ए पॉइंट, अबाउट पॉइंट ए मोमेंट कितना हो जाएगा? एफ इंटू डी, और क्या हो जाएगा? और इसका एफ का कंपोनेंट फोर्स क्या हो जाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट अगर लेते हैं तो चूंकि ये 90 डिग्री एंगल से है तो इसका ये डिग्री, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी आपका थीटा आ जाएगा। उसी तरह से एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जिसको एफ एक्स माने हैं और वर्टिकल कंपोनेंट होगा जिसको एफ वाई माने हैं। ये कंपोनेंट कैसे आता है आपको रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में बता चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे दिक्कत आ रहा है कि एफ का कंपोनेंट एफ एक्स और एफ वाई कैसे हो गया, तो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस एक बार आप लोग फिर से रिवाइज कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप वीडियो फिर से देखिए इसको, तब समझ में आएगा, क्योंकि वैरिगेंस थ्योरम का हम लोग प्रूफ देखने जा रहे हैं। वैरिगेंस थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि अगर कोई फोर्स एफ किसी बॉडी पे लग रहा है तो उसके कारण मोमेंट जो जनरेट हुआ, उसके कारण जो मोमेंट जनरेट हुआ वो इक्वल होगा किसका? इस फोर्स का जो अलग अलग कंपोनेंट होगा ना, उस कंपोनेंट के कारण जो मोमेंट जनरेट होगा उसके योग के बराबर। तो ये एफ का दो कंपोनेंट, और जो एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको डिवाइड कैसे करते हैं? क्योंकि ये 90 डिग्री एंगल से है, अगर ये एंगल यहाँ पे थीटा है तो ये भी एंगल यहाँ पे आपका थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स में क्या देखे हैं कि एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ एक्स और एफ वाई इक्वल टू निकाल सकते हैं, तो एफ वाई इक्वल टू अगर थीटा यहाँ पे है तो एफ वाई इक्वल टू एफ कॉस थीटा होगा। देखिए एफ वाई इक्वल टू एफ कॉस थीटा, उसी तरह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट साइन थीटा, तो एफ साइन थीटा, ठीक है, ये पढ़े थे ना आप लोग, अगर नहीं पढ़े तो देखिए, अगर कोई फोर्स ये रहता था आपका एफ रहता था, ठीक है, तो ये एंगल अगर हम लोग थीटा लेते थे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा आता था, ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल टू एफ साइन थीटा आता था, ठीक है, वही यहाँ पे अप्लाई किए हैं, तो कहिएगा सर यहाँ पे तो वर्टिकल वाला साइन था, वर्टिकल वाला साइन था, और यहाँ पे तो फिर वर्टिकल वाला एफ वाई आप कॉस क्यों ले रहे हैं? तो ये एंगल आप ध्यान दे रहे हैं, ये साइन कब था? जब एंगल आपका यहाँ था, तो एंगल के साथ में लगा हुआ वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस थीटा होता है,
और उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमेशा साइन थीटा होता है। अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो ऐसे याद रखिए कि जो एंगल लगा हुआ है फोर्स के साथ, जो एंगल दिया हुआ है उसके साथ वाला कंपोनेंट हम कॉस थीटा लेंगे और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट उसका साइन थीटा लेंगे। देखो इसमें ये वाला कॉस थीटा ले रहे हैं तो ये वाला साइन थीटा, तो इसीलिए एफ एक्स कम एफ ओस एफ एक्स इक्वल टू एफ साइन थीटा और एफ वाई इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अब ए के थ्रू मोमेंट ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, एफ इंटू डी होता है। अब इस कंपोनेंट के कारण मोमेंट कितना कितना होगा वो हम लोग देखेंगे, इस कंपोनेंट के कारण कितना कितना होता है। तो देखिए एक फ्री बॉडी डायग्राम बना के रखे हैं आपका ये वाला, ठीक है, जिसमें फ्री बॉडी डायग्राम में क्या आपको केवल हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स दिखाए हैं और आपका जो एफ लग रहा था ये वाला फोर्स उसको हम हटा दिए हैं, ठीक है, क्योंकि उसका काम खत्म हो गया है। फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये आपका रॉड था, डी डिस्टेंस पे था। अब एफ वाई के कारण मोमेंट कितना हो जाएगा, क्योंकि एफ का ही दो कंपोनेंट है ना, एफ वाई और एफ एक्स, तो एफ के कारण एफ वाई के कारण वर्टिकल कंपोनेंट के कारण पॉइंट ए पे मोमेंट कितना होगा ये हम लोग देखेंगे, ये कैसे निकलता है और कितना होता है। तो मोमेंट का बेसिक फॉर्मूला लगाएंगे, मोमेंट क्या होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डायरेक्शन, तो फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है तो हॉरिजॉन्टल से लाइन ऑफ एक्शन आपका खींच दिए ये वाला जो आपको दिख रहा है लाइन ऑफ एक्शन, इस लाइन ऑफ एक्शन पे यहाँ पे हम फोर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। आपका ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स में बताए थे कि लाइन ऑफ एक्शन में फोर्स ट्रांसफर हो जाता है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी लाइन में हम फोर्स ट्रांसफर कर सकते हैं, तो यहाँ पे फोर्स ट्रांसफर कर लिए। अब मोमेंट कितना जनरेट होगा इसके कारण, तो यहाँ से ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी कॉस थीटा, ये कैसे आया, ये अगर थीटा है तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, अगर ये डिस्टेंस आपका राइट एंगल ट्रायंगल अगर यहाँ पे बन गया ना, एफ वाई को अगर हम एक्सटेंड किए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तक या हॉरिजॉन्टल प्लेस तक तो राइट एंगल ट्रायंगल बना। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान दीजिए कि ये आपका हाइपोटेनस एच इक्वल टू डी है, तो बेस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा से गुना हो जाएगा, तो डी कॉस थीटा, तो ये कितना हो गया डिस्टेंस हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स एफ वाई से डी कॉस थीटा। अब ये डी कॉस थीटा इंटू एफ वाई करेंगे तो मोमेंट हो जाएगा ए के थ्रू, पॉइंट ए के थ्रू आपका मोमेंट हो जाएगा एफ वाई से, तो एफ वाई के कारण पॉइंट ए पे मोमेंट कितना जनरेट हो रहा है हमारा डी कॉस थीटा इंटू एफ वाई। देखिए डी कॉस थीटा इंटू एफ वाई, तो डी पॉइंट ए पर मोमेंट हो जाएगा एम ए मोमेंट हो जाएगा किसके कारण एफ वाई के कारण। और अब देखिए एफ एक्स भी कुछ मोमेंट क्रिएट करेगा, तो एफ एस को भी लाइन ऑफ एक्शन को हम पीछे एक्सटेंड किए और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकालेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना मोमेंट निकलेगा हम लोग का, अदरवाइज मोमेंट निकलेगा। मोमेंट का बेसिक डिफिनेशन क्या कर रहा था, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हमारा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से ए के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, अगर हम डी लेते ये वाला डिस्टेंस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता नहीं ना, होता नहीं ना होता, ये तो इंक्लाइन डिस्टेंस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या मतलब, ऐसा डिस्टेंस जो 90 डिग्री एंगल बना है हमारे फोर्स से, तो 90 डिग्री एंगल कहाँ, ये फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड किए और हम ये लाइन एक कंस्ट्रक्ट किए, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम निकाल लेंगे कि कितना होता है, तो ये निकाले तो आया डी साइन थीटा। तो फोर्स क्या हो गया, मोमेंट क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स के कारण, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स के कारण आपका मोमेंट कितना हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एफ एक्स के कारण मोमेंट कितना हो गया एफ एक्स इंटू डी साइन थीटा, एफ एक्स इंटू डी साइन थीटा। अब एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ एक्स का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, एफ एक्स का वैल्यू अगर ये 90 डिग्री से एंगल से था एफ, ठीक है,
यहाँ पे एंगल थीटा आ रहा था, तो एफ एक्स का वैल्यू निकाले थे पिछला स्लाइड में, देखिए यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू निकाले हैं, एफ एक्स इक्वल टू एफ साइन थीटा और एफ वाई इक्वल टू एफ कॉस थीटा, ये ही वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे इस इक्वेशन में। तो एफ वाई इक्वल टू एफ कॉस थीटा और डी कॉस थीटा जेव करते हो, सिमिलरली एफ एक्स का वैल्यू भी निकाले थे एफ साइन थीटा और जेव का जेव, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ इंटू डी मल्टीप्लाई हो जाएगा और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा आपका आ गया। उसी तरह से इसमें भी साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और एफ इंटू डी मल्टीप्लाई हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा। तो टोटल मोमेंट एम इक्वल टू एफ डी इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कैसे आ गया, एफ डी कॉमन लिए, एफ डी इसमें भी है, एफ डी इसमें भी है, कॉमन ले लिए, तो एफ डी कॉमन ले लिए, तो बचा हमारे पास क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एफ डी। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू वन होता है, अब एफ डी में वन से गुना करेंगे तो कितना, एफ डी ही बचेगा, तो मोमेंट हमारा क्या आ जाएगा, एफ डी, ठीक है, एफ इंटू डी। तो जो एफ फोर्स था उसके कारण मोमेंट हमारे एक पॉइंट के थ्रू मोमेंट कितना आ रहा था, एफ इंटू डी, और जब हम मोमेंट निकाले उसका एफ के कंपोनेंट के कारण, एफ का जो दो कंपोनेंट फोर्स निकला रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से, उसके कारण भी टोटल मोमेंट हमारा कितना आया, अगेन एफ इंटू डी आया। तो टोटल मोमेंट इक्वल हो गया, इस एफ के कारण जितना मोमेंट निकला उतना ही मोमेंट आया ये दोनों कंपोनेंट के कारण, तो वेरियंस थ्योरम हमारा प्रूफ हो गया, क्लियर है। टोटल मोमेंट एफ डी आया इसमें भी और पिछला वाला में भी, हमारा टोटल मोमेंट ए के थ्रू सिंगल ए पॉइंट के थ्रू क्या आ रहा था, एम इंटू ए आपका एफ इंटू डी आ रहा था इक्वल। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं वेरियंस थ्योरम का प्रूफ, तो वेरियंस थ्योरम हमारा प्रूफ हो गया। तो अभी पिछला दो तीन क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे रिकॉल कीजिए, तो दो तीन क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पहले तो पढ़ा मोमेंट निकालने के लिए, मोमेंट निकालने के लिए हम लोगों ने पढ़ा कि मोमेंट इक्वल टू एफ इंटू डी होता है। दूसरा क्या पढ़े कि वेरिगंस थ्योरम पढ़े, ठीक है, कि अगर कोई फोर्स एफ लग रहा है, अगर कोई फोर्स एफ लग रहा है तो इसके कारण जो मोमेंट होगा, सपोज दैट फोर्स एफ लग रहा है इस पे, एक रॉड है इस पे फोर्स लग रहा है एफ, परपेंडिकुलर फोर्स, तो ये डिस्टेंस आपका डी है, तो इस फोर्स के कारण जो मोमेंट जनरेट होगा इस पॉइंट ए के थ्रू, तो एम ए इक्वल टू एफ इंटू डी होगा। और वेरिगेंस थ्योरम बताया कि इस फोर्स का जो कंपोनेंट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट एफ एक्स और एफ वाई, ठीक है एफ वाई, तो इस वो दोनों फोर्स के मोमेंट के योग के बराबर होगा, अगेन वो भी एफ डी ही आएगा। इतना चीज हम लोग पढ़ ली, दो चीज पढ़े, और इसके पहले और क्या पढ़े थे हम लोग, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पढ़े थे कि अगर कोई फोर्स किसी एंगल से एक्ट कर रहा है, थीटा एंगल से एक्ट कर रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, जिसको हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या ऑर्थोगोनल कंपोनेंट बोले थे, तो ये कितना होता है, तो ये एफ कॉस थीटा होता है और ये एफ साइन थीटा होता है। उसी तरह से अगर एक सिंगल फोर्स एक्ट कर रहा है और ये कोई अल्फा एंगल पे इसका कंपोनेंट अगर एफ वन एफ है और कोई बीटा एंगल पे कोई फोर्स लग रहा है एफ टू, जो कि इसके मैग्नीट्यूड के बराबर है दोनों का रिजल्टेंट, तो एफ वन और एफ टू निकालना हम लोग सीखे थे। एफ वन इक्वल टू क्या होता था, एफ वन इक्वल टू एफ साइन क्या, एफ साइन बीटा
डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा। रिकॉल कीजिए, नोट्स देखिए, पढ़े थे, और एफ टू इक्वल टू एफ साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ट्रायंगल लॉ लगाए थे, ट्रायंगल लॉ लगा करके फिर साइन वाला फॉर्मूला से निकाले थे ये वाला। तो एफ वन कैसे निकलता है, अगर क्या बताया, फिर से बताते हैं। एक फोर्स एफ है, इसका दो कंपोनेंट अलग अलग एंगल में निकालना है जो कि इक्विवेलेंट हो। अगर ये अल्फा एंगल से एक्ट कर रहा है और ये बीटा एंगल से एक्ट कर रहा है, सपोज दैट ये एफ है, तो इतना ही इफेक्ट ये एफ टू और एफ वन फोर्स के कारण आएगा। ठीक है, एफ फोर्स को दो भाग में विभाजित कर दिए, मगर दोनों अलग अलग एंगल से, एक तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंगल होता है और एक अलग अलग एंगल होता है। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंगल में क्या, साइन थीटा और कॉस थीटा में आपका डिवाइड हो रहा था, और जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंगल नहीं हो और पार्टिकुलर एंगल अलग अलग एंगल में उसको डिवाइड करना हो, तो उसका कंपोनेंट कैसे निकालते थे, पढ़े थे ना, साइन लॉ लगा करके एफ वन इक्वल टू, अब एफ वन निकालना है, ये वाला एफ वन निकालना है, तो इसके अपोजिट वाला एंगल कितना है, एफ इंटू साइन बीटा। याद रखने का तरीका, अपोजिट वाला एंगल लगा देंगे, डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। अब याद रह जाएगा जौन सा कंपोनेंट निकालना है, अगर हमारा म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंगल नहीं है, ये फोर्स को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे हैं, मगर नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट, म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं, नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और दोनों एंगल हमारा मालूम है अल्फा बीटा, तो एफ वन फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ वन फोर्स का वैल्यू हो जाएगा एफ इंटू साइन का अपोजिट एंगल का साइन, साइन बीटा। उसी तरह से एफ टू निकालना है, इसी का एफ टू, देखो यहाँ पे लिखते हैं, तो उसी का एफ टू हो जाएगा, एफ टू इक्वल टू एफ साइन अल्फा, एफ टू निकाल रहे हैं ना, तो इसका अपोजिट वाला एंगल साइन अल्फा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस बीटा। इस तरह से हम लोग इतना चीज निकालना सीख गए। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे जो कि नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कराएंगे आपको न्यूमेरिकल, अगर अभी संभव है, किसी के पास बुक वगैरह है तो उससे न्यूमेरिकल देखिए, तो हम नोट्स भेजे थे उसमें कुछ न्यूमेरिकल होगा वो देखिए। इसी जितना ये तीन चार फॉर्मूला है और मोमेंट का जो प्रॉपर्टी है और वेरिगंस थ्योरम है, इसी पे आधारित प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज का क्लास हम यहीं पे रोकते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रॉब्लम हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं और प्रॉब्लम को कैसे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो अगर इतना समझाने के बाद भी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करके देखिएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है कोई चीज़, वैसे तो हम आपको एक ही चीज़ को दो बार तीन बार बोल के भी समझाते हैं, पीपीटी है इसमें लिखा हुआ भी है, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, और उसके बाद भी नहीं समझ में आता है तो आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा कि सर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, हम उसको और प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे आप लोग। ठीक है ना, तो अभी तक जितना पढ़ाएं एक बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ना वो कोशिश कीजिए सॉल्व करने का, और फिर नेक्स्ट क्लास में तो हम बताएंगे ही कि कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे प्रोसीड करते हैं। ठीक है ना, ठीक है, ओके, थैंक यू।